तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको कोई से भी ब्लैक फोटो को गोरा करना सिखाऊंगा। गाइस, तो मेरा कुछ इस टाइप का फोटो है, तो गाइस इसको मैं एडिट करने वाला हूँ, वो भी फुल एचडी में। फेस को स्मूथ करेंगे और इस फोटो को गोरा कैसे करेंगे। तो गाइस, ये हमने कैमरे से शूट किया है, देखो बहुत सारे फोटो है, एक ही लेवल में सभी फोटो आ रहे हैं, वो भी ब्लैक ब्लैक। तो गाइस, इसको गोरा कैसे किस प्रकार किया जाता है, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास में बेल आइकन जरूर ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं एडिटिंग से लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो सबके पहले आपके पास पहुँचे। तो गाइस, जिस फोटो को आपको एडिट करना है उस फोटो को शेयर करना है यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो गाइस, ये ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन। तो ये रहा गाइस, देखना इसमें शेयर कर लेना है आपको। और इसमें शेयर करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ टूल्स वाला ऑप्शन दिखेगा, टूल्स, तो टूल्स में चले जाना है। और टूल्स में जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ ट्यून मैजिक में क्लिक करना है फर्स्ट वाले एप्लीकेशन में। और इसमें ब्राइटनेस है फर्स्ट में, तो ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, देखना ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है आपको 50, ठीक है गाइस। और ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो गाइस, लाइट, तो गाइस स्नैपसीड एप्लीकेशन में शेयर करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर टूल्स वाला ऑप्शन दिखेगा, टूल्स में क्लिक कर लेना है। और टूल्स में क्लिक करने के बाद आपको ब्राइटनेस में क्लिक कर लेना है। और ब्राइटनेस में क्लिक करने के बाद इसको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार इंक्रीज कर लेना है गाइस, इस तरफ मत करना, इस तरफ करोगे आप ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। और इस तरफ इसको 50 कर लेना है। फिर आपको यहाँ से आ जाना है तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में, चौथे नंबर वाले ऑप्शन में आ जाना है और इसको भी बढ़ा लेना है गाइस, इसको भी 50 रख लेना है गाइस, ठीक है गाइस। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से राइट वाला ऑप्शन दिखेगा नीचे, राइट कर लेना है। और राइट करने के बाद देखो गाइस, मैं बिफोर एंड आफ्टर करके दिखा रहा हूँ तुमको, बिफोर एंड आफ्टर कितना ब्लैक था, कितना गोरा हो चुका है। फिर आपको यहाँ टूल्स में चले जाना है, और टूल्स में जाने के बाद आपको सेलेक्टिव में क्लिक कर लेना है। और सेलेक्टिव में क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ब्लैक में प्लस प्लस वाला आइकन बना लेना है, और सर्कल को थोड़ा छोटा कर लेना है, और इसको इस प्रकार इंक्रीज कर लेना है गाइस। देखो इस प्रकार जैसे बढ़ाए कैसे पेस गोरा हो रहा है, इस प्रकार कर लेना है, ठीक है गाइस। फिर इसमें कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से राइट कर लेना है। देखो गाइस, बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा हो चुका है। इतना होने के बाद आपको टूल्स में जाना है, फिर टूल्स में जाने के बाद सिलेक्टिव में क्लिक कर लेना है आपको, और फिर प्लस वाला आइकन बना लेना है और इसको बड़ा कर लेना है। और इस बड़ा करने के बाद इसको इस प्रकार बढ़ा लेना है गाइस, देखो यहाँ से इस प्रकार जहाँ ब्लैक है ना वहाँ रख लेना है और इस प्रकार कर लेना है। फिर कंट्रास्ट एंड कंट्रास्ट को थोड़ा माइनस कर लेना है गाइस, आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा सा माइनस कर लेना है। और माइनस करने के बाद आपको इसके नीचे आ जाना है, और इसको कुछ भी नहीं करना है, फिर यहाँ से राइट कर लेना है। राइट करने के बाद गाइस कुछ भी नहीं करना है, बिफोर एंड आफ्टर, और इस फोटो को शेयर करना है आपको यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि गाइस इसमें हमको पेज और गोरा करना है, तो लाइटरूम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा कुछ इस टाइप का लाइटरूम एप्लीकेशन, इसमें शेयर करना है आपको। इसमें शेयर करने के बाद यहाँ से बैग चले जाएंगे और ओपन करेंगे लाइट। तो गाइस, हमने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, और यहाँ पर ऑल फोटो में क्लिक कर लेना है। ऑल फोटो में क्लिक करने के बाद देखना आपका फोटो कहाँ पर आया है, तो मैं इधर ढूंढता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मेरा फोटो आ चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, और यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन दिखेगा, लाइट में क्लिक कर लेना है, और लाइट में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। व्हाइट्स को भी थोड़ा माइनस कर लेना है, और ब्लैक्स को भी थोड़ा माइनस कर लेना है, ठीक है गाइस। और हाई लाइट को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है गाइस, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा बहुत। और कंट्रास्ट को रख लेना आपको माइनस, ठीक है गाइस। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ कलर्स वाले ऑप्शन में आ जाना है, इसके पास में लाइट के पास में, ठीक है। फिर आपको मिक्स में क्लिक कर लेना है, मिक्स में क्लिक करने के बाद आपको दूसरा नंबर वाला कलर सेट करना है कलर्स, और इसको थोड़ा माइनस कर लेना है गाइस, और इसके नीचे वाले को थोड़ा बढ़ा लेना है गाइस, ठीक है गाइस। जैसे बढ़ाया देखो कैसे आ चुका है। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, तीसरा नंबर वाला कलर सेलेक्ट करना है, इसको थोड़ा माइनस कर लेना है गाइस, माइनस कर लेना है, प्लस करना है, इसको बैकग्राउंड में कलर मारता है और कुछ भी नहीं करता है, ठीक है गाइस। फिर आपको फर्स्ट वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा माइनस कर लेना है, और इसको थोड़ा बढ़ा लेना है। फिर आपको यहाँ से डन कर लेना है, और डन करने के बाद देखो गाइस, बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा हो चुका है। होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से अगर बैकग्राउंड में कलर भी कर सकते हो गाइस, फिर से मैं मिक्स में जाऊँगा और बैकग्राउंड में कलर करके दिखाऊंगा तुमको। तो आपको यहाँ पर जाना है इस वाले में, और उसको माइनस भी कर सकते हो आप, और इसको बढ़ा भी सकते हो। फिर आपको ये वाले इस कलर्स में आ जाना है, और इसको देखो गाइस, इसको जैसे बढ़ा रहे कैसे कलर आ रहा है, तो आप जैसा कलर रखे हो वैसा रख लेना।
फिलहाल हमको कलर नहीं करना है बैकग्राउंड के ऊपर, तो मैं ये ब्लैक वाला कलर भी अच्छा लगता है गैस, तो ये रख लेना है, फिर डन कर लेना है। और फाइनली इस फोटो को यहाँ से शेयर करना है गैस, आपको शेयर कर लेना है यहाँ ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि गैस इसमें पेज स्मूथ करना है, तो इसके अंदर शेयर करना है आपको। और शेयर करने के बाद तो गैस इसमें फोटो शेयर हो चुका है और इसका पेज स्मूथ करेंगे हम। तो गैस यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक आ रहा है, तो इसका पेज स्मूथ करेंगे। तो पेज स्मूथ करने के लिए यहाँ जाना है आपको ऊपर, ऊपर जाने के बाद आपको दूसरा नंबर वाला ब्रश सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख लेना गैस, इन ब्रशों में से लाइब्रेरी ओपन करके इन ब्रशों में से ये दूसरा नंबर वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है गैस। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर लेना है, और सेटिंग में क्लिक करने के बाद इसको वन और इसको वन और इसको रख लेना है आपको 19.4, जूम कर लेना है और जूम करके कुछ इस प्रकार से अपने पेज के ऊपर ब्रश को चला लेना है। देखो गैस एक लेवल में पेज स्मूथ करेंगे हम, तो इस प्रकार से ब्रश को अच्छी तरीके से चला लेना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है गैस। देखो पेज स्मूथ हो रहा है ना अच्छी तरह से, तो इस प्रकार कर लेना है अपने पेज को स्मूथ। तो इस प्रकार देखना गैस, ये जो ब्लैक है ना, ब्लैक की तरफ से वाइट की तरफ से ब्लैक की तरफ ले जाना है, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा गैस। तो कितनी अच्छी तरीके से पेज स्मूथ हो रहा है अपना, तो इस प्रकार से मैं कर लेता हूँ गैस जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। तो इस प्रकार से अच्छी तरीके से फ़ोटो को जूम करके, और यहाँ पर भी देखो ना, अभी इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं इस गैस। तो इस प्रकार से अच्छी तरीके से, देखो गैस एक लेवल में आपको पेज स्मूथ करना है और कुछ भी नहीं करना है गैस। एक लेवल में आपको पेज स्मूथ करना है और कुछ भी नहीं करना है गैस। देखो गैस जो ब्लैक ब्लैक है ना सब हट चुका है ना, तो इस तरफ हटा लेना है, और ये जो चश्मा का उजास आ रहा है इसको भी थोड़ा ही हटा लेना है, हट जाएगा गैस इस तरह हटा लेना है, हट जाएगा गैस। देखो गैस कितना अच्छी तरीके से हो चुका है पेज स्मूथ, और अपने हैंड पे भी कर लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत ब्लैक ब्लैक है इसमें, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो गैस देख सकते हो, तो देख सकते हो गैस कितनी अच्छी तरीके से हमने पेज स्मूथ कर लिया है, और फाइनली हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही है, यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है, थ्री डॉट में क्लिक करना और शेयर वाले आइकन में क्लिक कर लेना है, और नीचे इसमें क्लिक कर लेना है, सीधा ग्लेयर में सेव हो जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन जरूर ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं इस प्रकार के एडिटिंग वीडियो डालूँ तो सबके पहले आपके पास पहुँचाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, थैंक यू फॉर लव यू वॉचिंग। तो जय हिंद जय भारत।